सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो भाई क्विक रिव्यू होने वाला है एक्ज्यूमा मूवी का, जिसको हिंदी लैंग्वेज में वीओडी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप लोग इस हॉरर मूवी को देखना चाहते हो देन आप लोग अब इसको बाय फिर रेंट कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज में। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोग को बिना स्पॉइलर के बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो देखो भैया, एक्ज्यूमा इस साल की कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी बताई जा रही है, क्योंकि जब से रिलीज हुई थी भाई उधर ही ट्रेंड करे जा रही थी। एंड इंडिया के अंदर आप लोग को पता है कि कोरिया के लाइक काफी सारे शोज एंड मूवीज लोग पसंद करते हैं, तो जब ये मूवी आई तो उसके बाद से इसके हिंदी डब की डिमांड बढ़ रही थी। तो अभी करंटली जब ये मूवी आ गई हिंदी लैंग्वेज में, तो भाई मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जिस हाइप पर इस मूवी को पहुंचाया गया है, क्या ये जो मूवी है वो सही में उस चीज को डिजर्व करती है, या फिर इसकी लाइक स्टोरी आप लोग को बेसिक सी ही देखने को मिलती है बट मूवी को ओवर हाइप्ड कर दिया गया है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मूवी है वो आप लोग को हॉरर मिस्ट्री कैटेगरी के अंदर फॉल होती हुई देखने को मिलेगी। मूवी की लेंथ आप लोग को 2 घंटे की देखने को मिल जाती है। सो अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी काफी सिंपल सी है। इस मूवी के अंदर आप लोग ग्रुप ऑफ शामन्स की कहानी देखने को मिलती है, मतलब इनको आप लोग भाई कोरिया का तांत्रिक बोल सकते हो, जो कि सुपर नेचुरल केसेस में एक्सपर्ट होते हैं। इनको बुलाया गया है कोरिया के एक रिच फैमिली द्वारा, बिकॉज उनको एक डेड बॉडी को शिफ्ट कराना है। अब वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई वो लोग किसी तरीके से इस केस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए, बट उनको पता नहीं रहता है कि इस केस की वजह से अब उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। एंड जितना आसान उन्होंने इस केस को समझा था वैसा कुछ भी नहीं है। सो क्या वो लोग लाइक इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है? अगर आप लोग को ये सब जानना है देन आप लोग को इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस की, तो देखो भैया मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर आप लोग को स्टोरी जो है वही ओल्ड स्कूल वाली देखने को मिलती है। इस तरीके की स्टोरीज भाई अपन लोगों ने काफी सारी मूवीज के अंदर देख भी रखी है। जो लोग मेरी तरह हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए स्टोरी के मामले में तो इस मूवी के अंदर ज्यादा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। अच्छी चीज मेरे को इस मूवी की यही लगी कि जिस तरीके से कोरियन रिचुअल्स को इस मूवी की स्टोरी के साथ मेकर्स ने ब्लेंड करा है वो आप लोग को काफी अच्छा लगता है देखते टाइम। एंड कोई भी चीज आप लोग को लाइक ओवर द टॉप जाती हुई देखने को नहीं मिलती है। जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने रोल को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा है, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि भाई कोई भी कैरेक्टर लाइक फोर्सफुल अपनी तरफ से लाइक कोशिश कर रहा हो चीजें दिखाने के लिए। ये मूवी हॉरर भले ही है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को कोई भी ऐसा हॉरर एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोग अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाओ। लेकिन हाँ, इसके अंदर आप लोग को उस तरीके के मोमेंट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो ओवरऑल मूवी के अंदर अच्छे से बना रहता है। इस मूवी की जो पेसिंग है वो भी काफी सही रखी गई है, तो इसकी वजह से आप लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, हर एक चीज फटाफट खत्म हो जाती है। डबिंग की बात करें तो भाई डबिंग मेरे को मूवी की सही लगी है। डबिंग के अंदर आप लोग कोई भी ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। आप लोग आराम से इस मूवी को लाइक हिंदी लैंग्वेज में चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं वीडियो क्लास में अपना फाइनल वर्डिक्ट बोलूं, तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को लाइक हॉरर मूवीज देखना पसंद है वो एक बार को इस मूवी के अंदर अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आप लोग प्रो ऑडियंस हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मूवी को मत देखना, आप लोग को मजा आएगा। एंड जो नई ऑडियंस है वो लोग बिंदास इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, आप लोग को भाई तगड़ा मजा मूवी देने वाली है। अगर मैं इस मूवी को अपनी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा भाई 3.5 out of 5 star। मेरे हिसाब से मूवी वन टाइम वॉच है, आप लोग आराम से इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने इस मूवी को लाइक देख लिया था तो आप लोग बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।